विश्व जी सोनी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो आए, आप जोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल। तमाम शहर के लिए गुफ्तगू का प्यासा है विश्व जी सोनी साहब। करता हूँ काम लेता हूँ रोकड़ा, करता हूँ काम लेता हूँ रोकड़ा, क्योंकि मेरा नाम है। भैंस पूछ उठाएगी तो बैरा नहीं जाएगी, गोबर ही करेगी, क्योंकि शंभू का दमाक दो दारी तलवार है। अजगर नाम है मेरा, मैं दस्ता नहीं हूँ, सीधा निकल जाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने तालियां बजाई इसके लिए। और सबसे पहले मैं चाहूंगा, जोरदार तालियां होनी चाहिए दूल्हा और दुल्हन को मुबारकबाद देते हुए, आपकी जोरदार तालियां होनी चाहिए। असल में एक मातरमा ने मुझे कहा है कि हाथों में मेहंदी लगी है, हाथों में मेहंदी लगने का जो शगुन है वो बहुत बड़ा है मातरमा, और यकीन यही से दुनिया का आगाज होता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ नजर बिजनौरी जी का, जिनके जरिए मैं आज आया हूँ। जरा जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए, मैं इसलिए बोल रहा हूँ इनके लिए तालियां हो जाए, क्योंकि इन्हीं के साथ मुझे वापस जाना है। और मैं कुछ फिल्म स्टारों की आवाजें, कुछ जोक्स, कुछ लतीफे, कुछ प्रेम चोपड़ा जी के डायलॉग्स आपके सामने पेश करूंगा। मुझे उम्मीद है आप मेरा साथ इसी तरह तालियों के साथ देंगे। और सबसे पहले मैं आज आपके सामने पोल खोल रहा हूं हमारे नजर भाई जी। पिछले दिनों में सबसे बड़ा महान आए जिसका जन्मदिन था वो कौन है, अभी 2 महीना पहले अमिताभ बच्चन। तो नजर भाई हमारे प्रमोटर हैं, बड़े बड़े आर्टिस्टों को बड़े बड़े शो में ले जाते हैं, तो ये उनके बर्थडे में गए और इन्होंने क्या क्या बातें की वो मैं आपके सामने बताता हूं। इन्होंने सबसे पहले जया बच्चन से एक सवाल पूछा, नजर भाई ने कहा कि जया जी एक सवाल पूछो, मैं इतने साल से पूछ रहा था, आज तिल बुड्ढी दिखने में इतनी अच्छी, आप चाहे तो जितेंद्र के साथ शादी कर सकती थी, डैनी के साथ कर सकती थी, फिरोज खान साहब थे उनके साथ कर सकती थी, फिर आपने ये लंबा पेड़ जैसा आदमी क्यों चुना। तो जया जी ने कहा बात ऐसी है, बचपन से मेरी एक ही ख्वाहिश थी कि मेरा पति ऐसा हो जिसके सामने मैं सर झुका के नहीं सर उठा के बात करूं। अब उतने में जी साहब ये तमाम खातिन सर उठा के बात करती है, ये तमाम जो सिविल बैठी हैं ये सब सर उठा के बात। वो तो मैं तालियों से ही समझ गया कि तालियां वहां से ही आई। जैसे अमित जी आए, इन्होंने अमित जी से भी एक सवाल पूछा, कहा अमित जी आप स्टारों के स्टार हैं, मिलियन स्टार हैं, आप चाहे तो रेखा राखी हेमा मालिनी जीना तमान किसी के साथ भी शादी कर सकते थे, फिर आपने ये गुड्डी नाटी छोटी औरत से क्यों शादी की। तो अमित जी ने इनके सवाल का जवाब दिया अपने अंदाज में, बात ऐसी है नजर भाई, हमारे बाबूजी कहा करते थे जिंदगी में मुसीबत जितनी छोटी होती है उतनी अच्छी होती है। अब जिन्होंने तालियां नहीं बजाई मैं समझ गया हूं मुसीबतें कितनी बड़ी है, ठीक है ना। और कुछ बातें आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। थाना के पागल खाने से 50 पागलों को आगरा शिफ्ट करना था और ये अच्छे घर के पागल थे, तो डॉक्टर ने कहा देखो ये यहां ठीक नहीं हो पाएंगे, इनका प्रमोशन हो गया है, इनको आगरा भेजना है और एक भी पागल कम नहीं होना चाहिए, तुम्हारी जवाबदारी है ले जाओ। ड्राइवर ने कहा रोज का काम है, आप बिठा दो सबको लग्जरी बस में। बस थाना से निकली, रास्ते में ढाबा आया, ड्राइवर ने कहा चलो सब लोग 15 मिनट के अंदर खाना खा के आ जाओ, चलो सारे पागल उतर गए। एक पागल कोने में बैठा था और वो मेरा दोस्त था, तो उसको बोला ओ तुमको भूख नहीं है क्या, जाओ जल्दी खाना खा के आओ, बस मैं 15 मिनट रोकने वाला हूँ। क्या बात कर जाए ड्राइवर साहब, दिमाग खराब है क्या, बस में हमारा कपड़ा पड़ा है, वीडियो टीवी पड़ा है, इसको कोई चोरी करके जाए इसका जवाबदार आप नहीं है। बोले वाह तुम तो यार अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, तुमको आगरा क्यों भेज रहे हैं, तुमको तो घर पे भेजना चाहिए। क्या करेगा मेरा किस्मत खराब है, आप भी जाओ खाना खा के आओ, मैं पूरा बस को संभालेंगे पक्का। अरे पक्का बोला ना यार,
उसके भरोसे ड्राइवर भी चला गया। 15-20 मिनट में सारे पागल आए, अपनी अपनी जगह पे बैठ गए। जब ड्राइवर आके अपनी जगह पे बैठा तो क्या देखता, स्टीयरिंग बाजू में निकला हुआ पड़ा। इधर आओ, क्या है, तुम बस में था? हाँ बस में ही था। पक्का? अरे पक्का। फिर ये स्टीयरिंग किसने निकाला, किसने निकाला स्टीयरिंग? ये मैंने निकाला। तुमने निकाला? क्यों क्यों निकाला? अरे बाबा निकालेगा नहीं तो क्या करेगा, तुम थाना से, मैं देखता है तुम उसको घड़ी घड़ी निकालने का कोशिश करता है। यही मैं क्या है, ज्यादा मैं उल्लासनगर में बहुत रहा हूं, इसीलिए मुझे सिंधी भाई बहुत प्यारे हैं और उनसे मैं बहुत